हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपका भाई भी एकदम बढ़िया है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन हमारा छुट्टी का दिन होता है, हफ्ते की एक छुट्टी होती है हमारी। तो आज हम काम पे जाने वाले नहीं हैं। तो गाइस आज का हमारा दिन रहता है सिर्फ काम। तो जो भी हमारे पूरे हफ्ते के काम होते हैं तो हमने ट्यूसडे को करने होते हैं। तो आज के सारे काम है वो हम ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अब जाना है बैंक में, तो वहाँ पे कुछ कैश निकालनी है और साथ में FD भी करवानी है एक। वो आपको मैं दिखा दूँगा FD भी, और वो भी साथ में चेक भी एक भर के हमें कैश लेनी है अब थोड़ी। तो उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सामान वगैरह लाने, शॉपिंग करने जाना है। तो ये छोटे मोटे 5-6 काम है, और गाड़ी भी वॉश करवानी है। गाड़ी की हालत तो बहुत ज़्यादा गंदी है, काफ़ी देर से वॉश नहीं करवाई है। तो गाड़ी से जैसे कि अब मेरे को दिखाता हूँ आपको गाड़ी, तो देख पा रहे हो आप कितनी गंदी है गाड़ी, कितनी मिट्टी और कितना कुछ पड़ा हुआ गाड़ी के वजह से, देखो दूर जम चुकी है, काफ़ी देर से ये धोई नहीं है क्योंकि ये लगी रहती है एक ही जगह पे, खड़ी रहती है, तो हम पूरा दिन काम पे लगे रहते हैं। तो गाइस आज सबसे पहले हम तो बैंक वाला ही काम है यही करना है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सब्सक्राइब करके ही जाना, चाहे मुक्का मारो, लात मारो, पत्थर मारो, जो अरे कहना क्या चाहते हो, जो मारना मारो, लेकिन पत्थर नहीं मारना गाइस, आपका फ़ोन टूट जाएगा। तो फिलहाल जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हमारे जल्दी से जल्दी 1K करवाओ। तो मैंने बाइक का बोला था, बाइक लेनी है, लेकिन बाइक तो डिलीवरी नहीं हो पा रही। ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हम यहाँ कंपनी में गए हुए थे, उनको पूछा था, तो फाइनल उन्होंने डेट दी थी 21 तारीख की, डेट दी थी जनवरी की, तो वो हो चुकी है। मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपकी नहीं आई है बाइक। तो जो इस बार गाड़ी आई है ट्रक भर के जो उनका आया है गाड़ियों का, उसमें हमारी मेरी बाइक नहीं थी। तो बोले कि नेक्स्ट गाड़ी में जब भी आएगी अगले मंथ को, तो उसमें आपकी बाइक पक्का आ जाएगी। तो क्योंकि पीछे भी स्टॉक में नहीं है, तो इसीलिए मेरी गाड़ी दिन ब दिन लेट हो रही है। तो देखते हैं जितनी जल्दी मिल जाए बाइक हमें तो ले लेंगे, फिर उस दिन भी ब्लॉग बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा जिस दिन हम बाइक लेंगे। तो गाइस बने रहना ऐसे ही ब्लॉग में, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो फिलहाल मेरे 1K करवा दो। तो मैंने 1K पे बोला था बाइक लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बाइक ले लूँगा। तो गाइस बने रहना आज ब्लॉग, तो करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग। तो पहले भर लेते हैं अभी चेक। तो गाइस जैसे मेरे पास बैठे हैं शाहिद भाई हैं मेरे साथ आज, तो इनको बोलता हूँ आप फ़ोन पकड़े, तो मैं चेक भर लेता हूँ। तो ये शाहिद भाई पकड़े फ़ोन। ऐसे भरते हैं चेक। गाइस इसका पैन खत्म खत्म नहीं है। डेट क्या है भाई? और ये भी खाली हो चुकी है चेक पार्ट पार्ट के। गाइस ये बड़ा पैसे वाला है। कितने का है? खत्म, बाय बाय, गुड बाय। तो गाइस देखो अपने हमने चेक भर लिया अभी, तो चलते हैं फटाफट से बैंक में, तो करवाते हैं इसको कैश। तो साइन सेंड कर लिया हमने अभी, जहाँ पे स्टैंप लगेगी मेरी, तो स्टैंप मेरी बैंक वालों के पास ही है। तो चलते हैं फटाफट से बैंक में शाहिद भाई, चलें अब। तो गाइस जैसे देख रहे हो मैं बैंक से होके आ चुका हूँ अभी, तो FD वगैरह भी करवा दी है लाख की, तो पेमेंट भी लेके आया हूँ। तो देख रहे हो गाइस पेमेंट मेरे को जान। तो गाइस ये मेरी नहीं है, ये किसी की है भाई, किसी को देनी है, ये मेरी पेमेंट नहीं है भाई, मत मुझे लूट। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, लूटने आ जाना भाई। तो देखते हैं यहाँ तो गाइस अभी लूटूंगा। बैंक में जो गया था ये करवा लिया है FD, लाख रुपए की FD, तो उन्होंने दे दी मुझे रखने के लिए। तो पेमेंट देते हैं जिसकी है भाई, चलते हैं उसको देने के लिए, तो हमारी नहीं है भाई। मारो मुझे मारो। भाई हमारे पीछे पीछे आ जाना कि हाँ भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है। यहाँ पे जाना है हमने, तो यहाँ पे पेमेंट देनी है हमने, जो हमने अभी बैंक से निकाली है कैश, तो यहाँ पे पेमेंट देके यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये लेबर के पैसे हैं, तो लेबर को देके तो फिर हम निकलते हैं। फिर हमने पेट्रोल पे तेल भी डलवाना है गाड़ी में, तो उसके बाद हमें गाड़ी वॉश करवानी है, तो फिर जाना है हमने कचवानी वाली साइड। तो बने रहना वीडियो पे। तो गाइस अभी पेट्रोल पम्प पे तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में थोड़ा, तो फिर चलते हैं। तो तेल डलवाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे।
200 कितना कम लेना चाहिए एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए। ये ले भाई 350 रुपया 350 रुपया पकड़ना, 450 रुपया वापस दे दो। गाड़ी में तेल डलवा लिया तो निकलते हैं, अभी बारिश भी शुरू होगी, गाड़ी वाश करवानी है, बहुत गंदी है लेकिन बारिश ही शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम गाड़ी वाश करवाएंगे ही करवाएंगे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं गाड़ी को वाश करवाए हुए भाई, तो आज बारिश में भी, तो फिर पहले वाश करवाएंगे फिर बिछना जाएंगे। वाश तो वैसे हो जाएगी लेकिन बारिश पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम वॉश करवानी है अंदर से, तो कितनी गंदी है, मैट वगैरह कितने गंदे हैं, लेकिन मैट ही नहीं सूखेंगे भाई, मैट धोने नहीं है, मैट ही नहीं सूखेंगे, धोने नहीं है, नहीं धोने पड़ेंगे, बहुत गंदे हैं। चल मैट इनके पास क्या करते हैं ना, तो मैट यहीं पे रखवा देते हैं, तो मैट आते समय ले लेंगे, लेकिन मैट फिर भी गीले रहेंगे, बारिश तो हो रही है मैट फिर भी नहीं सूखेंगे, क्या करेंगे। तो भाई बारिश कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है, तो अब हम गाड़ी धुलवाने का मूड कैंसिल, तो अभी बाद में धुलाते हैं, देखते हैं अगर बारिश कम होगी तो फिर वॉश करवाएंगे आते समय, तो फिलहाल अभी निकलते हैं बिछना के लिए। तो गाइस देख रहे हो कितनी ज़ोर से बारिश हो गई है शुरू, तो गाइस अभी बिछना पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अभी तो हम डेली पहुंचे हैं, मतलब ग्रेटर क्लास पहुंचने वाले हैं, तो देख रहे हो बारिश कितनी ज़्यादा ज़ोर से हो रही है, तो बने रहना वाले ब्लॉग में। तो अभी हमें बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज हमारा दिन ही काम करने का है, सिर्फ हमारी छुट्टी होती है, बस काम ही काम इस दिन, तो अभी बैंक वाला काम हुआ है, तो पेमेंट दी है, गाड़ी वॉश करवानी थी वो रह गया, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी बारिश है तो बाद में आना, जब बारिश बंद हो जाएगी तो ये गाड़ी दिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी भी है, तो शादी में भी जाना है सैटरडे को, तो संडे को उसकी बारात भी है, वहाँ भी जाना है, तो गाड़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो गाड़ी वॉश करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, तो इसीलिए बने रहना व्लॉग में। अभी तो मिलते हैं यहाँ पे बिछना जाके सीधा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं विशाल के बाहर, तो देख पा रहे हो आपके सामने ये रहा विशाल मेगा मार्ट, तो अभी जाते हैं अंदर, तो इसने बूट वगैरह लेना है शादी के लिए, मैंने बताया था कोई फ्रेंड की शादी है, तो देखते हैं अंदर अपने लिए कोई शूज़ वगैरह कोई मिलता है अच्छा सा, तो दिखाएंगे आपको भी, बने रहना व्लॉग में। तो ये रहा विशाल मेगा मार्ट, विश्वनाथ से होके तो आ चुके हैं अभी, तो बने रहना वीडियो में, मेरा ही पाउंडी। तो भाई विशाल से वापस आ चुके हैं, तो पूछते हैं क्या लाया। ओ भाई शाहिद भाई जराबे क्या लाया, जराबा बस बस विशाल गया था तो ये लेके आया, बस ये बूट लेने हाल आया जराबा। ओ जी ओ शेरा शाबाश है, चलो निकलते हैं फटाफट से, अभी मौसम साफ हो गया तो अभी गाड़ी वॉश करवानी है जाके। तो गाइस अभी सैनिक कॉलोनी पहुँच चुके हैं हम, तो अभी हम शॉप से कुछ सामान लेना था यहाँ पे बच्चों के लिए, वो स्कूल में मंगवाया है फ्लैग वगैरह और वो रिबन वगैरह, तो जो सामान मंगवाया वो यहाँ से ले लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे, पहले दुकान ढूंढ लेते हैं कहाँ से लेना है, तो वहाँ से ले लेते हैं क्या क्या लेना है, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या कहाँ जाते हैं, कहाँ का प्लान है। इस घर पहुँच चुके हैं अभी, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।